नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में गोरक्षपीठ का अतुलनीय योगदान रहा है। इसी परंपरा को निरंतर गति दे रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर फर्टिलाइजर झुंगिया गेट के पास अमृतलाल भारती दलित के यहाँ सहभोज में शामिल हुए। औरैया में लगातार चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला औरैया कोतवाली क्षेत्र के यमुना रोड का है, जहां पर चोरों ने हार्डवेयर और प्लास्टिक की दुकान में कोहरे का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने हार्डवेयर और कीमती सामान की चोरी की। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। तो औरैया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किसी से चोरी हो गई है, किसी ने चादर काट दिया, कुछ टूल्स वगैरह निकाल लिए हैं और कुछ स्टील की आइटम निकाल ली है। कितना सामान चोरी हुआ होगा, कितने की लागत होगी? लागत तो लग ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये की होगी लागत। इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी हो चुकी है? इससे पहले चोरी तो नहीं, आग लगाई किसी ने, आग लग चुकी है वहाँ। तो क्या कोई रंजिश ये काम करता है? अब ये मैं तो कुछ नहीं बता सकता कि रंजिश है क्या। जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है, जो घटना घटी है आपके सामने है। शासन प्रशासन द्वारा रात्रि कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू है, तो ये चोरी कैसे समझो? या तो फिर कर्फ्यू का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। हरमिंदर सिंह व्यापार मंडल के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। इनका लगभग 25-30 हज़ार का नुकसान हुआ है। अवस्थी जी कोतवाल साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम लोगों ने कहा है कि इस पर सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि ये एक टेलर है, सर्दियों का मौसम चालू है, निश्चित तौर पर कोई बड़ी से बड़ी वारदात हो सकती है। तो पुलिस को इसमें सक्रियता गश्त बढ़ाना चाहिए। रात में जो भी निकल रहा है, चाहे भला आदमी हो, उसे पूरा विवरण उसका लेके ही उसे जाने दें, तभी ये चोरियों पर अंकुश संभव है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी का मौसम चोरों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। बलिया के मरियर थाना क्षेत्र में प्रधान शिवनाथ के दरवाजे पर चुनावी रंजिश में तीन लोग पहुंच गए और गाली गलौज की। इसी बीच एक व्यक्ति ने प्रधान पर असलाह सटा दिया। ग्रामीणों ने असलाह पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जबकि आरोपी भाग निकले। इस मामले में पुलिस ग्राम प्रधान की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला ये था कि वहाँ पे छोटे बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, तो उन दूसरे लड़के से जो झगड़ा हुआ था, उसके घर के बड़े आदमी आकर मेरे छोटे बच्चे को मार दिया और उसको ज़्यादा चोट लग गया। अभी उसको गाल फूला हुआ है उसका। शाम को आए तो उन लोगों को बुलवाए, भाई बच्चों के झगड़े में अब बड़ो आशीर्वाद के बड़ो क्यों इन्वॉल्व हो गए? बच्चे व बच्चे का झगड़ा हुआ है, हम लोग आपस में समझ लेंगे, आपको गलती हुआ है तो हमसे कहिए। अब इतना ही बात हुआ, तब तक एक लड़का है इम्तियाज अंसारी, मेरे बच्चे पर काटा लगा दिया। मरम्मत थका दुखी करने लगे। किसी तरह से वहाँ गांव के लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके किसी तरह से काटा उसके हाथ से छीन लिया। छीनने के बाद वो भग गया, और काटा जब मिल गया हम लोग तो दूरभाष से हम लोग थाने पर फ़ोन किए, दरोगा जी आए। दरोगा जी को हम लोग अपना सामान दे दिए, दरोगा जी लेकर चले गए। किस तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया उस कार्यक्रम में? हाँ, कट्टा हथियार था उसके पास जी, हथियार बरामद भी हुआ। दिखने के लिए गए थे, वो बता रहे हैं कि इसमें देखिए ये इसका नट खुला हुआ है, इसके ये इसमें कुछ है चलने लायक नहीं है जी। लेकिन वहाँ एकदम नया काली से एकदम जो मौके। हमीरपुर के मुस्करा कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में आबकारी विभाग और थाना मुस्करा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की कड़ी में ग्राम शिवनी डेरा थाना मुस्करा में दबिश दी गई, जिसमें 500 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण और लगभग 5 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है।
पुलिस ने नहर को मौके पर नष्ट कर दिया। वहीं मौके से दो अभियुक्त भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलिया के मनिया थाना क्षेत्र में आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर थानेदार मदन पटेल ने अपने थाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर उनका प्रचार कर रही हैं। बता दें कि मेन गेट से लेकर पूरा थाना परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई है। तो बलिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस थाना परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बैनर पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर में मंडल आयुक्त झांसी अजय शंकर पांडे ने ललितपुर स्वास्थ्य विभाग के जमीनी हक की खजाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालवेहट में बने L2 का भी जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट, टीकाकरण, आइसोलेशन वार्ड का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इसी के साथ ही अजय शंकर पांडे ने अधीनस्थ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की हकीकत जानने पहुंचे मंडलायुक्त, यहां पर ऑक्सीजन प्लांट और आइसोलेशन वार्ड का भी जायजा लिया। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सौम्य प्रसाद मौर्य बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए आज समाजवादी पार्टी में विधिवत शामिल हो गए। हालांकि सपा में शामिल होने की घोषणा मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद ही कर दी थी। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सपा मुख्यालय नारों से गूंजता रहा। पीलीभीत में मरौरी ब्लॉक के देवीपुरा गांव में सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां गांव के कई ग्रामीणों ने सीसी सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप ग्राम प्रधान पर लगाया और साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अतिक्रमण के नाम पर गांव के कई घरों के चबूतरों को तोड़वाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही बताया गया है कि ग्राम प्रधान ने अपने संगे संबंधियों के घरों के बाहर बने चबूतरों को नहीं तोड़वाया और गांव के सैकड़ों लोगों के घरों के चबूतर अतिक्रमण के नाम पर तोड़वा दिए। इस बात को लेकर ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ काफी आक्रोश है। फिलहाल गांव के कुछ ग्रामीणों ने मामले की शिकायत DM और SP से कर दी है। काम हो रहा है वो मानक अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। किस तरीके मानक है? मानक जैसे नाली के नीचे कितने खाली हल्का सा गट्टा डाल के उसमें केवल महीन रेता से काम हो रहा है। अगर वो हल्के से उसमें अगर पानी की धार तेज आती है तो बह जाता है पूरा। दूसरी चीज़, जो चबूतरे वगैरह जो कटे हैं, जो चबूतरे सबके अतिक्रमण चल रहा था, सबके चबूतरे काटे गए हैं, लेकिन प्रधान पक्ष ने अपने भाई बंधु अपने सगे संबंधियों को किसी के चबूतरे नहीं काटे हैं और सबके कटवा दिए हैं। फिलहाल मेरी नज़रों में तो कोई निवाद नहीं, सही संतोषजनक कार्य चल रहा है। लगभग कितने मीटर की सीसी का निर्माण हो रहा है? करीब 75 मीटर का। 75 मीटर। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? करीब 30 लोग कार्य कर रहे हैं इसमें। तो गांव के लोग काम कर रहे हैं या बाहर के लोग बुलाए हैं? गांव के भी हैं और बाहर के भी हैं। हमारी जमीन है, इसके बराबर से नाली ले जा रहे हैं। एक बिलत ना, एक फुट जगह ना है तो जमीन तोड़ कर हमारी नाली लाइन बना रहे हैं और हमें जब जब कह रहे हैं तो ये मान की धमकी दे रहे हैं और पुलिस वालों को बुला रहे हैं। कौन है प्रधान यहाँ पे? प्रधान हिंद में है छोटे लाल। सहारनपुर के गगलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में जनता को कोविड से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक अभियान में लगी BDO के साथ एक आरोपी युवक ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए अभद्रता की। मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संगीन धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी
उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं जहां पर शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल 24 घंटे रनिंग में है। आज हम इस कहानी को कवर करने क्यों आए, इस कहानी को, इस स्टोरी को कवर करने का हमारा इरादा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं और कई दफा इनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज हम यहां आए हैं, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से स्वार्थ को न लाकर सामने, बिना स्वार्थ के किस तरीके से डॉक्टर्स, किस तरीके से यहाँ पर
पूरा स्टाफ किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है ये हम सब आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का नौवां हॉस्पिटल जो कि हरिद्वार में 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है, इसमें हम साधु संत और जो निर्धन या आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं उन लोगों की हम मदद करते हैं, उनको हम फ्री इलाज करते हैं उनका। हमारे यहाँ हर संडे को सुपर स्पेशलिटी कैंप्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं और ये कैंप्स पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। औरैया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा का वातावरण बनाने को लेकर सीओसीटी के नेतृत्व में सागर कोतवाली युवा पैरामिलिट्री फोर्स ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च सदर कस्बे समेत कठुआ बरारीपुर इत्यादि गाँव में पुलिस की तरफ से निकाला गया। गाँव में शहर के अंतर्गत पैदल मार्च निकालते हुए बराबर पुलिस की तरफ से जनता से अपील की गई कि वो भी निर्भय होकर केवल निष्पक्ष होकर मतदान करें। हमीरपुर में राठ कस्बे के मुगलपुरा इलाके में स्थित एक मकान में गैस सिलेंडर में हो रहे गैस के हिसाब से भीषण आग लग गई जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वही मकान में लगी आग से लाखों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के लिए तहसील सदर में बुलंदशहर की सभी विधानसभाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह की तरफ से जायजा लिया गया। विधानसभावार बनाए गए नामांकन कक्षों में जाकर नामांकन पत्र जमा किए जाने के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया था। विधानसभा 2022 को सकुशल निष्पक्ष पारदर्शी और भयमुक्त संपन्न कराने जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एसपी संतोष कुमार सिंह ने सिकंदराबाद कस्बे में दादरी गेट पर पुलिस चौकी से पुलिस और बीएसएफ के जवानों के साथ मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। कस्बे के दबंग व्यक्ति हिस्ट्रीशिस्टरों के घरों के आसपास फ्लैग मार्च कराते निर्वाचन के लिए भयमुक्त वातावरण भी तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही अवैध असलहों की डिमांड शुरू हो गई है। आगरा के थाना न्यू आगरा पुलिस ने यमुना किनारे कैसी ही अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों से इतना कच्चा माल बरामद किया गया है कि उनसे लगभग 70 असलाह तैयार किए जा सकते हैं। पुलिस ने 12 बोर की बंदूक, 315 बोर की राइफल और 4 अवैध तमंचे सहित हथियार बनाने का कच्चा माल भी बरामद कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। तो आगरा की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये थाना न्यू आगरा थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि यमुना किनारे कुछ लोग अवैध असला बनाने का कार्य करते हैं और उसे ऑन डिमांड असला को बेचते हैं। इस पर ये कार्रवाई की गई और इसमें एक पूरी असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जिसके अंदर 12 बोर की एक बंदूक है, एक 315 बोर की राइफल है, 4 अवैध तमंचे हैं और कारतूस इनसे बरामद हुए। इसके अतिरिक्त जो असला बनाने का जो कच्चा माल है, जो पाइप है या उसके जो ट्रिगर हैं और अन्य चीज़ें हैं जो उसमें प्रयुक्त होती हैं वो बरामद हुई हैं। जो इस बनाने में जो उपकरण होते हैं वो बरामद हुए हैं और इतना सामान इनके पास से बरामद हुए जिससे 60-70 तमंचे कम से कम बनाए जा सकते थे। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जब भी चुनाव आता है, इनका आपराधिक इतिहास पहले भी है, जब भी चुनाव आता है तो कुछ असलाज की डिमांड बढ़ जाती है, उसी आधार पर ये अपना सप्लाई के लिए असला बनाते हैं और उसे करते हैं। तो एक अच्छी सफलता है थाना पुलिस न्यू आगरा पुलिस के लिए और इसके लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये का घोषित किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए। आगरा के हसनुराम अम्बेडकर अब तक 93 चुनाव लड़ चुके हैं, इसमें कोई चुनाव बाकी नहीं रहा, सभी चुनावों में लड़े हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हसनुराम चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं, आज भी पर्चा भरने आए और 2 विधानसभाओं से पर्चा दाखिल कर रहे हैं।
1985 में हसन राम ने चुनाव लड़ना शुरू किया। चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव में हसन राम अपनी मौजूदगी दिखाते रहते हैं। मेरा नाम अम्बेडकरी हसन राम अम्बेडकरी है और मैं अब तक सारे पदों के लिए, देश में होने वाले चुनाव सारे पदों के लिए 93 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और इस वर्ष मैं जो 92 खेरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ तथा 90 ग्रामीण से, दो आगरा उत्तर प्रदेश में दो विधानसभा से मैं हसन राम अम्बेडकरी चुनाव दो स्थानों से लड़। क्या मकसद है आपका, बार बार चुनाव लड़ते हैं? मेरा मकसद है केवल हारने का, जीतने वाले तो बहुत दावेदार हैं और जीतने के बाद उनका पता भी नहीं चलता। शायद में यह है कि जनता के बीच में जब तक हार रहा हूँ, जब तक ये जो एक रोमांचक चीज़ जनता को मिलती है, जनता को बहुत बड़ी खुशी है और जीतने का तो प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि आधुनिक युग में जो चीज़ें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुशनगर के तमकुही और पडरौना विधानसभा क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। इसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमकुही विधानसभा के विधायक अजय कुमार लल्लू और पडरौना विधानसभा से मनीष जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। प्रयागराज समाजवादी कार्यालय पर सैफ अफरीदी जिला अध्यक्ष ब्रायन सिंह यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में समापन समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि उमेर जलाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा नीतीश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी जिला कार्यालय प्रयागराज समापन समारोह अब नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई है। समाजवादी पार्टी आज जो मार्गपण कर रही है, किस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नौजवान साथियों को बुलाया गया है। चुनाव की डेट आ चुकी है, चुनाव का वजूल बन चुका है, अब नौजवान साथियों को बुला के उनकी जिम्मेदारी जो पहले दी गई थी वो पूछा गया, उस जिम्मेदारी पे कितना काम किया। समाजवादी पार्टी के नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उनके नक्शे कदम पे, जैसे तेज तर्रार हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारे यूथ ब्रिगेड के नौजवान अपने विधानसभा में, अपने ब्लॉक में, अपने वार्ड में, अपने ग्राम सभा में जाके अपने समाजवादी पार्टी के वोटरों से मिलकर। समाजवादी जिला कार्यालय ने आज आपका स्वागत किया है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? मैं अपने छोटे भाइयों के स्वागत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी यूथ ब्रिगेड है, इसकी मेहनत इलाहाबाद के अंदर जिले की 12 सीटों पे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ जीतेगी और हम लोग 12 में से कम 10 सीटें जीत करके माननीय अखिलेश यादव साहब को 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और मैं अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा का और एक मुसलमान होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अमन पसंद मुसलमान इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बनाएगा और हर हाल में ये कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।